जैसा कि हम सभी को पता है कि अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से धरती का वेदर क्लाइमेट हर बदलते समय के साथ चेंज होते रहता है। सर्दियों के बाद गर्मियां, गर्मियों के बाद बरसात, और ये साइकिल रिपीट होते रहता है। लेकिन इन सभी के बीच एक चीज साथ से आपने जरूर नोटिस किया होगा कि एट अ सेम टाइम हमें दो तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिलते हैं दो अलग अलग जगह पर। जैसे कि कहीं पर इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि वहां पर बाढ़ जैसे सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं पर इसके बिल्कुल एक्सट्रीम एकदम सूखा पड़ा है। लाइक अब आप इसी समय का एग्जांपल देख लो, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोगों को सनस्ट्रोक जैसे खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में ब्रूस फायर्स देखने को मिल रहे हैं। कई जगह हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को ठीक से पानी तक नहीं मिल पा रहा है उनको पीने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान, पेरू और ब्राजील के हालात इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। यहाँ पर बाढ़ के मारे पूरा का पूरा बस्ती डिस्प्लेस हो चुका है। ऐसे खतरनाक इवेंट्स जो पिछले कई डेकेड्स में नहीं देखने को मिले, वो आज के समय रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर इन सबके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि अब पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी ऐसे ही कई इवेंट्स देखे जा चुके हैं। इवन अब तक का सबसे डेडलीस्ट रहा है साल 1997-1998 में आए हुए ऐसे ही खतरनाक इवेंट्स, जिसमें करीब 23,000 लोगों की जाने चली गई थी। उस समय भी ऐसे ही चीजें घट रही थी, लेकिन एक बड़े स्केल पर। अब फ्रेंड्स जानते हैं ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है एल नीनो इफेक्ट का होना। इवन आज के समय में जो हीट वेव और फ्लडिंग देखने को मिल रहा है, उन सबके पीछे भी कहीं ना कहीं एल नीनो का हाथ रहा है। असल में एल नीनो इफेक्ट एक बहुत ही एबनॉर्मल सा फिनोमेनन है जो हर एक 2 से 7 सालों में देखने को मिलता है, और इस इफेक्ट के बाद दूसरा इफेक्ट देखने को मिलता है ला नीना। बाय द वे एक न्यूट्रल फेज भी होता है जिसमें सारे वेदर पैटर्न एज इट इज बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, और इस पूरे साइकिल को एल नीनो सदन ऑसिलेशन कहा जाता है। अब एल नीनो और ला नीना ये होते तो एक नेचुरल इवेंट थी, बट जब ये आते हैं तो इसका असर पूरी धरती पर देखने को मिलता है। लेकिन एक सवाल, आखिर ये एल नीनो इफेक्ट काम कैसे करता है और इसका इम्पैक्ट धरती पर कैसे लगातार बढ़ते जा रहा है? क्या इसको होने से रोका जा सकता है? वेल, आइए आज के इस वीडियो में गहराई से समझते हैं इस बदलते वेदर क्लाइमेट चेंज को। नॉर्मली हम सभी को पता है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे धरती का एनवायरनमेंट एक वर्स के सिनेरियो की तरफ चलता चला जा रहा है, जो कि आगे हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ओशियन में हो रहे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को समझना होगा, क्योंकि आज जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिल रहे हैं उन सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होता है। दरअसल अर्थ पर जितने भी बड़े बड़े ओशियन मौजूद हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो या फिर इंडियन ओशियन, इन सभी में एक साइक्लिक मैनर में इनका टेम्परेचर बदलते रहता है। ये कभी ज्यादा गर्म हो जाता है तो कभी ये ठंडा रहता है। और इस फिनोमिनन को हालांकि पहली बार नोटिस किया था पेरू और इक्वाडोर के कुछ मछुआरों ने, लेकिन इस चीज को एक साइंटिफिक टर्म में मेंशन किया था कैमिलो कैरिलो ने, जो कि पेरू के ही एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इस फिनोमिनन को ग्राउंड लेवल पर स्टडी करके दुनिया को बताया था कि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ओशियन में, वो दिसंबर के महीने में अपने हाईएस्ट पीक पर होता है, और जो कि ये समय क्रिसमस की पास यानी जीजस क्रिस्ट के जन्म का पीरियड होता है। इसीलिए इन्होंने इस फेनोमिनन को एल नीनो नाम दिया। अब एल नीनो शब्द स्पेनिश से आता है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है द बॉय। वैसे में आप इसे एल नीनियो भी बोल सकते हैं, अगर जो यहाँ पर सिमिलरिटी का साइन लग जाता है तो। वेल, जो भी हो, कैप्टन कैमिलो ने बस इतना ही ऑब्जर्व कर पाया था कि जो ओशियन का पानी है वो नॉर्मली ठंडा और गर्म होते रहता है। वो अभी इसके आगे की प्रोसेस को समझते कि उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है साल 1901 में ही। अंटिल कुछ समय बीतता है और साल 1920 में ब्रिटिश मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक नए साइंटिस्ट उभर कर सामने आते हैं, जिनका नाम था सर गिल्बर्ट वॉकर, एक एक्सपीरियंस साइंटिस्ट जिनका अब काम था कि इस पूरे वेदर पैटर्न को एनालाइज करना कि आखिर क्यों हर बदलते समय इतने हार्श कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं। वेल, सर गिल्बर्ट ने सबसे पहले तो पुराने डेटा को एनालाइज किया और अपने रिसर्च के लिए वे पैसिफिक ओशियन में
चले गए और वहाँ पर काफी दिनों तक वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के बाद फाइनली उन्होंने अपने नए डिस्कवरी को मेंशन किया। उन्होंने बताया कि जो ओशियन के सरफेस का पानी है वह केवल गर्म और ठंडा ही नहीं होता, बल्कि वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वहाँ के ट्रेड विंड्स ये सभी एक साइक्लिक मैनर में फ्लक्चुएट करते हैं। अब जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे थे ओशियन में, उस चीज को वाकर ने सदन ऑसिलेशन नाम दिया। नाउ वाकर ने अपनी डिस्कवरी को चालू रखा और कुछ ही समय बाद उन्हें ये नोटिस होने लगा कि जो भी स्पेसिफिक चीजें घट रही थी ओशियन में, चाहे वो पानी का गर्म या ठंडा होना हो या जो प्रेशर में चेंजेस आ रहे थे, ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे थे। अब इस चीज को वाकर जब तक प्रूफ करते कि उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है साल 1958 में ही। वेल, इसके 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट जेकॉब बर्कनेस, जो एक अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट थे, जब वो वाकर की थ्योरी को फर्दर क्लासिफाई करके उस पे और स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो एल नीनो और सदन ऑसिलेशन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इवन दो ओशियन में हो रहे एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन के पीछे भी इसी साइक्लिक पैटर्न का हाथ है। अब बर्कनेस ने एल नीनो और सदन ऑसिलेशन को कंसोलिडेट करके एक नया टर्म निकाला, एनसो, यानी एल नीनो सदन ऑसिलेशन, और जो कि बर्कनेस ने समुद्र में हो रहे फ्लक्चुएशन के पीछे की असल मैकेनिज्म को समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने इस चीज को बताने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, वाकर सर्कुलेशन। अब ये चीज होती क्या है वैसे, इसे सबसे पहले समझते हैं। तो नॉर्मली जो पैसिफिक ओशियन में हवाएं बहती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ चलती हैं, यानी कि साउथ अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर। अब इसकी वजह से जो गर्म पानी सरफेस पे मौजूद था वो अब अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर आना शुरू कर देता है, और जो पानी सरफेस के नीचे जो कि नॉर्मली ठंडा होता है वो अब नीचे से होते होते अमेरिका की ओर बढ़ता है। इस फेनोमिनन को अपवेलिंग कहते हैं, और इस अपवेलिंग के दौरान जो जिंदगी समुद्र में मौजूद है उनको काफी हेल्प मिलती है उनको न्यूट्रिएंट्स को पाने में। अब अपवेलिंग की वजह से जो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ गया था वो अब इवेपोरेट होकर के बादल की फॉर्मेशन करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में बारिश देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ अमेरिका में कोल्ड कंडीशंस देखने को मिलते हैं। अब ये तो हो गए नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जो हवाएं पैसिफिक ओशियन में बह रही थी अगर वो कमजोर पड़ जाए, यानी कि उनका स्पीड एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, तब एल नीनो के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। दरअसल जो ट्रेंड विंड्स बह रहे थे ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में वो अब काफी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपवेलिंग हो रही थी ओशियन में वो अब स्टॉप हो जाती है, यानी कि जो गर्म पानी अमेरिका से होकर के ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रही थी वो अब नहीं आ पाते, जिसकी वजह से अमेरिका का रीजन काफी वार्म होने लगता है और यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश होती है कि यहाँ पर बाढ़ जैसे सिचुएशंस क्रिएट होने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफी ड्राई हो जाता है, और इस कंडीशन में पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में भीषण गर्मी देखने को मिलता है। इसी फेनोमिनन को एल नीनो इफेक्ट कहा जाता है, और ये जब भी आता है तो इसका असर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और जैसा कि 2023-24 में एल नीनो इफेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से इतने एक्सट्रीम इवेंट देखने को मिल रहे हैं, इस साल की गर्मी इतना इनटॉलरेबल रहा है कि कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया केवल एक हीट स्ट्रोक के कारण। अब फ्रेंड्स, जिस तरीके से एल नीनो काम करता है, ठीक इसके अपोजिट एक और फिनोमिनन होता है ओशियन में, जिसे आज के समय ला नीना कहा जाता है। दरअसल जो नॉर्मल कंडीशन हो रहे थे ओशियन में इन केस ऑफ वाकर सर्कुलेशन, जिसमें जो हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही थी वो कभी कभी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, यानी कि उनका स्पीड ऑन एवरेज काफी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो गर्म पानी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर आ रहा था वो अब और तेजी से आना शुरू कर देते हैं, और इस कंडीशन में जो पानी ऑपरेट होकर के बादल की फॉर्मेशन कर रहे थे वो अब और ज्यादा बादल की फॉर्मेशन करते हैं। इसकी वजह से जो नॉर्मली बारिश देखने को मिल रहे थे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, अब यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होती है, और इन सभी के बीच यहाँ पर सीवियर फ्लड और लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि एल नीनो के केस में जहाँ अमेरिका में बाढ़ जैसे सिचुएशंस क्रिएट होते थे, वो अब ला नीना के केस में वहाँ का रीजन काफी ड्राई यानी सूखा होने लगता है। अब जो चीजें एल नीनो के दौरान एशिया और ऑस्ट्रेलिया में घट रहे थे वो अब सारी चीजें अमेरिका में होनी शुरू हो जाती है, यानी कि अब यहाँ पर भी सीवियर एक्सट्रीम हीट और जंगलों में बुश फायर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया जैसे रीजन
सीजन में काफी अच्छी बारिश होती है। और इंटरेस्टिंग की बात तो ये है कि ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत जल्द ला नीना के कंडीशंस देखने को मिलेंगे, ये जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त में शुरू हो सकता है। वेल, जो भी हो, साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि इस बार जब ला नीना आएगा तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, चाहे वो समुद्र के आसपास के एरिया हो या फिर वह चारों ओर से लैंडमास हो। इन सभी जगहों पर फ्लडिंग, साइक्लोन और लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे। नाउ अब ये चीज तो देखने वाली होगी जब ला नीना के फेनोमिनन शुरू होंगे। हालांकि ऐसा देखा गया है कि ला नीना के केस में इंडिया जैसे रीजन में काफी अच्छी बारिश होती है। वेल, जो भी हो, ये तो एक नेचुरल फेनोमिनन है जो रिपीट होते रहते हैं। लेकिन एक और चीज है जो हमारे अर्थ की एनवायरमेंट को एक वर्स के सिनेरियो की तरफ ले जा रहा है, और वो चीज है आज का बदलता क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। और ये एक ऐसा मेजर इशू है जो साल दर साल बढ़ते जा रहा है। और फ्रेंड्स, अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हम सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से लगातार हार्मफुल गैस रिलीज हो रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल्स गैस का कम्बसन होना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस रिलीज होते हैं जो अल्टीमेटली हीट को ट्रैप करके ग्लोबली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद पावर प्लांट्स और व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है जो हर समय CO2 गैस को रिलीज करते हैं, लेकिन जो चीज इसको कम करती है उनकी संख्या लगातार कम होते जा रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए पेड़ों को तो काट रहे हैं, लेकिन जब बात पेड़ लगाने की हो तो हजार लोगों में से कुछ लोग इस काम को कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपने भले ही पेड़ को नहीं काटा, लेकिन आपने हर साल कितने पेड़ लगाए, ये हम सबका क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि ये कि ये काम केवल गवर्नमेंट का है। जब बात हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट की हो तो हम सबको मिलकर इससे बचाना होगा। तो आज ही अपने आप से वादा कीजिए हर साल मिनिमम एक पेड़ लगाने का। ये चीज ना केवल हमारे एनवायरनमेंट के लिए है बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। तो कौन कौन अपने आप से कमिटमेंट करता है हर साल मिनिमम एक पेड़ लगाने का, कमेंट में करके जरूर बताइएगा।